साकार हरि के चमत्कार को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। संभल के रहने वाले अनुयायी ने दावा किया है कि बाबा की वजह से उनकी पत्नी दोबारा जिंदा हो गई। वहीं सूरजपाल बाबा के साथ पुलिस महकमे में नौकरी कर चुके एक व्यक्ति का दावा है कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, सब दिखावा है। हाथरस मामले में बाबा सूरजपाल को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसमें वो भी शामिल है जो सूरजपाल के करीबी रहे हैं और वो भी हैं जो सूरजपाल के अनुयायी हैं। संभल में रहने वाले दीपक और संजू का दावा है कि बाबा ने उन्हें मौत के बाद जिंदगी दी। हमने उनका महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इसी को 5 बार अपने दिल से उच्चारण करके बोला। सब लोग बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और देखो ऐसे ऐसे तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस में नौकरी कर चुके नजर सिंह का दावा है अगर वो जिंदा कर सकते तो अपने साले की बेटी को जिंदा कर देते। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, की बात है सब बता, साले की लड़की मर, हम बाबा जिंदा कर लेंगे। बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। वहीं जो बाबा को मानते हैं वो अभी भी उनके आश्रम पर पहुंच रहे हैं और बाबा के मौजूद नहीं होने के बावजूद उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम पर लगातार उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी है। वहां पर पहुंचने वाली महिलाओं का दावा है कि बाबा आश्रम में मौजूद हैं और वे वहां पर बाबा से मिल तो नहीं पा रही हैं, लेकिन बाबा में अपनी आस्था को जरूर दिखा रही हैं। महिलाएं वहां पर सड़क पर दंडवत होकर प्रणाम करती नजर आई। एक लड़की तो यहां तक दावा कर रही है कि वो बाबा के यहाँ गोपी के तौर पर तैनात थी और अपने प्रभु के लिए नृत्य करती थी। बाबा सूरजपाल को लेकर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि उनके यहाँ लड़कियाँ गोपी के रूप में आती हैं, दूध से नहाती हैं और बाबा के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन एक गोपी का दावा है कि बाबा नृत्य के लिए नहीं कहते, वो खुद नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब बच्चन भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूह निकलता है। जबकि बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस महकमे में काम कर चुके और उनको बाबा बनते हुए देखने का दावा करने वाले नजर सिंह का कहना है कि एक बार बाबा दूध से नहाए थे और उस दूध की खीर बनी जिसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। दूध से नहाए सबको मालूम, पूरे गांव को दूध से नहाए गए, नहाए गए भाई, दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद के रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया। हालांकि ऐसी तमाम कहानियां जो अब सामने आ रही है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए हैं। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चश्मदीदों से मुलाकात की है, जांच आयोग की टीम ने ये मुलाकात की है। तो जिन्होंने यह हादसा अपनी आंखों से देखा उनसे अब जांच आयोग बातचीत कर रहा है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे के चश्मदीदों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। जांच आयोग की टीम ने यह मुलाकात की है। हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे? मैंने कहा हाँ हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से, तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा हम पर भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को ले लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी सांस चल रही थी, सांस थी तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन गाड़ी बोलेरो जो भी थी उनके उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर, तो हमें देखते ही हम एक सौटता रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी, काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पे गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए।